ये महोत्सव की भव्यता बढ़ते जा रही है और हमारे संस्कृति मंत्री बिजमोहन जी और आप सब लोगों को मालूम है कि ये महोत्सव का शुरुआत महोत्सव का शुभारंभ हमारी सरकार ने किया है जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, आदरणीय बिजमोहन जी संस्कृति मंत्री थे उस समय भी, और उस समय से लगातार ये महोत्सव भव्यता ले रहा है। और मैं चूंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद आप लोगों के बीच पहली बार आया हूं, इसलिए आप लोगों का धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि सरगुजा संभाग में आप सब लोगों ने मोदी की गारंटी में विश्वास करते हुए 14 में से 14 विधानसभा की सीट जीता कर दिए, कांग्रेस को पूरी तरह से सफाया कर दिए, इसके लिए आप सब लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और अब डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, तो आप मान के चलिए कि विकास बहुत तेजी से होगा। पिछले 5 साल में जो विकास छत्तीसगढ़ का रुक गया था वो अब रुकने वाला नहीं है, बहुत तेजी से विकास होगा। और ये तातापानी का संबंध राम और सीता से है, ये एक मान्यता है कि सीता माता के हाथ से गरम तेल का कटोरा छूट गया था और जहां जहां वो तेल गिरा वहां वहां ये गरम पानी का कुंड हो गया, तो ये तातापानी राम और सीता से जुड़ा हुआ है। और आप सब लोगों को मालूम है कि आने वाला 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है और आज से वहां भी कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया है। और आप सब लोगों से आग्रह होगा कि आने वाले आज से लेकर 22 तारीख तक हम लोगों को पूरा अपना क्षेत्र, पूरा वातावरण को राममय करना है, मंदिरों में पूजा पाठ, रामलीला भजन कीर्तन ये सब करना है और 22 तारीख तक पूरे अपने आसपास मंदिर पूरे वातावरण को राममय करना है, ये मेरा आप लोगों से आग्रह होगा। और चूंकि हेलीकॉप्टर का मामला है तो ज्यादा समय भी नहीं है, इसलिए आदरणीय रामविचार नेताम जी जो आपके क्षेत्र के विधायक भी हैं, छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री भी हैं, यहां के विकास के लिए जो भी मांग उन्होंने रखा है, हमारे संस्कृति मंत्री जी ने कहा है कि हम घोषणा कर दें, बाकी उनको पूरा उसका प्रपोजल बना के पूरा करना है, तो मैं यहां के सर्वांगीण विकास के लिए जो भी मांग है उसकी घोषणा करता हूं, इसको पर्यटन स्थल घोषित करना और जो भी अधूरा काम है वो सब काम की मैं यहां पर घोषणा करता हूं। उसी तरह से शकुंतला सिंह पोर्ते, इन्होंने भी अपने क्षेत्र की कई समस्याओं को बताया है, धीरे धीरे सब काम करेंगे, काहे कि छत्तीसगढ़ की वित्तीय स्थिति 5 साल में पिछली सरकार ने क्या कर दिया आप सब लोगों को मालूम है, और मोदी की गारंटी में हम लोग कई काम पूरा कर रहे हैं, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए हैं।